कृष्णा जन्माष्टमी 2022 कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट जन्माष्टमी एट कनपतियार टेम्पल इन श्रीनगर. द कश्मीरी पंडित्स वर सीन ब्लोइंग कॉन्च शेल्स एंड फेयरवेयर ड्रेस्ड एज कृष्णा टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी एट गणपतियार टेम्पल इन श्रीनगर. पीपल अक्रॉस द कंट्री आर सेलिब्रेटिंग लॉर्ड कृष्णाज बर्थ एनिवर्सरी होल हार्टेडली. The Kashmiri Pandits too have joined the nationwide celebrations. In a recent update from J&K, the Kashmiri Pandits were seen blowing conch shells and few were dressed as Krishna to celebrate Janmashtami at Ganpatiyar temple in Srinagar. आज जन्माष्टमी है जो भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है. ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है तो यहाँ पे भी हम हर साल मनाते हैं. हम हर साल झांकी निकालते हैं एस्कॉन श्रीनगर चंद्रमाला से, तो आज भी हमने झांकी निकाली है. आज थोड़ा फ़र्क ये है कि थोड़ा रूट हमारा चेंज हुआ है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, तो बाकी जो हर साल से है वो इस साल भी का हम बहुत शुक्रगुजार. एडमिशन का 100% सपोर्ट है, यहाँ के लोकल मुसलमानों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और हमने भगवान से यही प्रार्थना की कि जो पिछले साल से थोड़ा माइनॉरिटी पे किलिंग हो रहे वो बंद हो और जो यहाँ का प्रीस प्रोसेस हो बाइक चला वो कंटिन्यूसली चालू. हाँ, मेरा नाम शुभन जी है, हम यहाँ श्रीनगर में रहते हैं. आज का हमें भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन है, आज भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले इस धरती पर आए हैं ताकि संत का रक्षा करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया है. तो क्योंकि धरती पर या हमारे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमारे भगवद गीता में ही कहा, यदा यदा ये धर्म से ग्लानि निर्भवति भारत तदात्मान सजा में प्रतानाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम. जब जब धरती पर अत्याचार होता है और संत और साधुओं की हत्याएं होती है तब तक श्री भगवान किसी न किसी रूप में अवतारित होते हैं. इसी प्रकार 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है रावण का, ये कंस का वध करने के लिए और बाकी जो इवल फोर्सेस थे उनका वध करने के लिए श्री कृष्ण अवतार ने इस धरती पर अवतार लिया है और हमारे और इस धरती पर संदेश दिया है कि भगवद गीता के रूप में हमें एक संदेश दिया है. इसी अवसर पर हम यहाँ पर ये आज जो भगवान श्री कृष्ण का अवतारित होने का हम उत्सव मना रहे हैं और जगत कल्याण के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं.